क्या 30 दिन में 30 शॉर्ट वीडियोस अपलोड करके एक डेड चैनल को रिवाइव किया जा सकता है। तो इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैंने 30 दिन में 30 शॉर्ट वीडियोस अपलोड करी और इससे जो रिजल्ट मुझे मिले वो आपको हैरान कर देंगे। मैं आपको हर वीडियो का लाइव स्टैट्स दिखाऊंगा और मैंने क्या क्या चेंजिंग की ये भी बताऊंगा। मेरा गेमिंग चैनल था जिसमें 400 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन मैं इस चैनल पर इनएक्टिव था जिसकी वजह से ये चैनल डेड हो गया। तो मैं इसी चैनल पर 30 डे 30 शॉर्ट चैलेंज करने वाला हूं। सबसे पहले मुझे एक अच्छी नीश चाहिए जिसमें बहुत सारी ऑडियंस हो। तो यूट्यूबर न्यूज मुझे एक अच्छी नीश लगी क्योंकि न्यूज़ बॉय और नियॉन मैन दो ऐसे चैनल है जिनकी वीडियो में लाखों में व्यूज है और मुझे थोड़े बहुत टॉपिक्स इन चैनल से भी मिल जाएंगे। तो फाइनली मुझे अपने चैनल की एक अच्छी नीश मिल चुकी है। अब सबसे पहले मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूंगा, फिर उसके बाद लोगो और बैनर भी चेंज कर लूंगा और चैनल की कुछ बेसिक सेटिंग्स है जिन्हें चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली मैंने 30 डे 30 शॉर्ट चैलेंज की फर्स्ट वीडियो अपलोड करी जिसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरी फर्स्ट वीडियो में पहले ही दिन 10K व्यूज आ गए और 100 सब्सक्राइबर्स भी। इसका ऑडियंस रिटेंशन और स्वाइप अप रेट फर्स्ट वीडियो के हिसाब से सही था। तो मैंने डे 2, डे 3 और डे 4 को भी फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड वीडियो अपलोड की। इनमें भी 10K, 5K और 10K व्यूज आए और इनका ऑडियंस रिटेंशन और स्वाइप अप रेट नॉर्मल था। डे 5 को मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक को सिलेक्ट करके एक वीडियो बनाई जिसका रिजल्ट इनक्रेडिबल था। इस वीडियो को फर्स्ट 24 आवर्स में 30K व्यूज आ गए और अब इस वीडियो में 36K व्यूज है और इसका स्वाइप अप रेट 70% है जो कि सही है, लेकिन ऑडियंस रिटेंशन सिर्फ 76% जो कि बहुत ही कम है। अगर मुझे अपनी वीडियोस में ज्यादा व्यूज लाने हैं तो ऑडियंस रिटेंशन 90% से ऊपर रखना होगा। तो मैंने डे 6, डे 7 और डे 8 को भी वीडियो अपलोड की जिनमें व्यूज और ऑडियंस रिटेंशन नॉर्मल थे, लेकिन डे 9 की वीडियो में स्वाइप अप रेट 71% और ऑडियंस रिटेंशन पहले के मुकाबले ज्यादा था 94%, लेकिन व्यूज सिर्फ 138। और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, किसी वीडियो में अच्छे व्यूज आते तो किसी में बहुत कम। डे 18 को मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग में चेंजिंग किए। मैंने अपनी पूरी वीडियो में कैप्शन लगाए और अपनी वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया। मैंने हर एक फुटेज को 2 सेकंड तक रखा जिससे डे 18 की वीडियो में 14K व्यू आए और ऑडियंस रिटेंशन 87% रहा जो कि थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन डे 19 की वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन 116% था और व्यूज 13K। तो मुझे इस वीडियो से दो चीजें समझ आई। फर्स्ट, मुझे अपनी वीडियो की लेंथ 30 सेकंड से कम रखनी है। सेकंड, मुझे अपनी एडिटिंग और वॉइस ओवर को फास्ट रखना है। और ऐसे ही कुछ दिनों तक इसी तरह वीडियो में 5K 10K व्यूज आते रहे और आज था डे 30 जो कि मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। डे 30 को मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी जिसमें मुझे 1,12,000 व्यूज आए, ऑडियंस रिटेंशन 102% और स्वाइप अप रेट 75% था। इसका मतलब है कि मेरी शॉर्ट वीडियो को YouTube नोटिस कर रहा है। तो 30 डे चैलेंज में मैंने 1700 सब्सक्राइबर्स गेन किए और 3.5 लाख के करीब व्यूज भी, जिसका मतलब है कि मैं अपना चैलेंज जीत गया। मैंने डेड चैनल को फिर से ग्रो कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट चैलेंज है इस चैनल को 90 दिन में मोनेटाइज करना, जो कि मैं इजीली कर लूंगा। और अगर आप इस तरह की ट्रेंडिंग निशेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने 11 ऐसे शॉर्ट चैनल्स के बारे में बताया जो कि सिर्फ 30 दिन में मोनेटाइज हो जाएंगे।